एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की भी इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो ये आपके प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक भर्ती जैसे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? कांकेर, रायगढ़, बस्तर या दंतेवाड़ा? तो आप सभी को पता होगा कि दंतेवाड़ा को अलग करके बीजापुर जिला बनाया गया। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? कोरबा, कांकेर, नारायणपुर या कोरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायणपुर। नारायणपुर जिले में सबसे कम तहसीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं? 5, 4, 6 या 7? तो 6 जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं रायपुर ज़िले से, मतलब। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर या ये सभी? तो ये सभी जो हैं छत्तीसगढ़ के ज़िले से होकर गुजरती हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? करेला, डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा या मछली? तो आप सभी को पता होगा कि इसकी आकृति समुद्री घोड़ा के समान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? कोरबा, कवर्धा, कांकेर या कोरिया? तो आप सभी को पता होगा कि कवर्धा जिले के नाम को परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या कवर्धा? तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जनपद में से मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? पहाड़ी, पाट, मैदानों और नदियों के बेसिन या पठार? तो यह मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, सरगुजा ज़िले का जिला मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर, कुसमी, विश्रामपुर या सूरजपुर? तो इसका सरगुजा ज़िले का मुख्यालय है अंबिकापुर। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कवर्धा या जशपुर नगर? तो इसका कबीरधाम का मुख्यालय है कवर्धा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? बस्तर, बालोद, जशपुर या कांकेर? तो बस्तर जिला का मुख्यालय नहीं है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो आप सभी को पता होगा कि 3 भागों में बांटा गया है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊँचाई कितनी है? 190 मीटर, 200 मीटर, 210 मीटर या 220 मीटर? तो 220 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, चंग भाखड़ पहाड़ी स्थित है कोरिया में, जशपुर में, सरगुजा में या बलरामपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरिया। चंग भाखड़ पहाड़ी कोरिया में स्थित है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? बस्तर का मैदान, जशपुर उच्च भूमि, चांग भाखड़ा पहाड़ या शिवनाथ बेसिन? तो इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है जशपुर का उच्च भूमि। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकाल रेंज, रायगढ़ पठार, बस्तर पठार या पाट क्षेत्र?
तो इसमें मैकाल रेंज सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बस्तर, रायगढ़, सरगुजा या जशपुर? तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है जशपुर। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? 30%, 40%, 60% या 54%? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। 40% भाग में साल वन घिरा हुआ है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, सरगुजा? तो इसका आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में सबसे अधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत भाग तेंदू पत्ता उत्पन्न होता है? 10%, 15%, 20% या 27%? तो इसका आंसर है 20%। 20% भाग में तेंदू पत्ता उत्पन्न होता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? बस्तर, जशपुर, सरगुजा या बिलासपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव, कोरबा, बस्तर या रायपुर? तो जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 8%, 14%, 22% या 24%? तो यह है 8%। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है अबुझमाड़, भोरमदेव, मायकोट, समरसोत? तो छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है भोरमदेव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? दुर्ग, महासमुंद, कवर्धा या जांजगीर चांपा? तो इसका आंसर है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? कोरबा, महासमुंद, कोरिया या सरगुजा? तो इसका आंसर है सरगुजा। सरगुजा में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है? सरगुजा, राजनांदगांव, कांकेर या बस्तर? तो इसका आंसर हो जाएगा बस्तर। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? इसमें दो ऑप्शन छूट गए हैं, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ये तो कुछ हो गए 30 MCQs। ऐसे ही हम आगे और भी इसके MCQs करने वाले हैं, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।